मैं श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है चैप्टर 6, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया, पहले तो आप ये समझ लीजिए, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है राष्ट्रीयकरण। ठीक है, राष्ट्रीयकरण क्या होता है? जब सरकार किसी भी व्यापार या उद्योग के स्वामित्व को स्वयं ग्रहण करती है तो इस कार्य को ही हम नेशनलाइजेशन कहते हैं। नेशनलाइजेशन के बाद संबंधित व्यापार या उद्योग का जो भी संचालन या कंट्रोलिंग पावर होती है वो गवर्नमेंट की हो जाती है, तथा उससे संबंधित जो भी पॉलिसी वगैरह बनती है या जो भी चीज़ें करनी रहती है उसका जो डिसीजन होता है वो सरकार लेती है। भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 में बड़े व्यापारिक बैंकों को 15 अप्रैल 1980 और 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद संबंधित बैंकों पर सरकार का पूरा स्वामित्व हो चुका था। अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में जिसमें कमर्शियल बैंक था उसमें कुछ बैंकों के बारे में बताया भी था। 1969 और 1980 में किए गए व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण ही विस्तृत है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए, इसको मैंने शॉर्ट में बताया है कौन कौन से बैंक नेशनलाइज्ड हुए हैं। पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद सिंडिकेट, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सारे क्या हैं, इन्हें नेशनलाइज्ड किया गया है। इसके अलावा 15 अप्रैल 1980 में 6 और बैंक थे जिसे नेशनलाइज किया गया था। उसमें है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड आंध्र प्रदेश। इन सारे बैंकों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया है और इसका जो भी देख रेख होती है वो सरकार के द्वारा होती है। अब इसके बाद आपका आता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। नेशनलाइजेशन बैंक के बारे में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब ये उनके फेवर में हैं। पहला है यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक रेट इन अ नेशनल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है उसको देखिए, इफ द बैंक आर अलाउड टू बी ऑपरेटेड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल देन द बैंक रेट शैल नॉट बी यूज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। यदि कोई भी बैंक प्राइवेट के हाथों में होता है तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारे राष्ट्र के काम नहीं होता, लेकिन यदि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए तो वो इंडिविजिबली हर लोगों के हाथों से हट जाएगा, उस पर बैंक सरकार को का होगा और जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसका फ़ायदा हमारी कंट्री को मिलेगा। नेक्स्ट है बिजनेस फ्लक्चुएशन कैन बी चेक। जो भी हमारे बिजनेस में कैपिटलिस्ट वगैरह हैं वो जो भी बिजनेस फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है उसके बारे में बार बार हमको जानकारी मिलती रहेगी। तो जो गवर्नमेंट होती है कैन कीप इफेक्टिव कंट्रोल ओनली इफ द बैंक आर फुली नेशनलाइज। तो अगर आपका बैंक मतलब जो बैंक है वो फुली नेशनलाइज है तो उस पर बैंक का सरकार का कंट्रोल बना रहता है। इंटर बैंक कॉम्पिटिशन कैन बी इंडेड, देयर इज द अननेसेसरी कॉम्पिटिशन अमंग द इंडियन बैंक विच आर बेनिफिट नो वन। जो बेमतलब के कंपटीशन होते हैं बैंकों के बीच में वो हट जाते हैं क्योंकि जो बैंक होता है वो ऑटोमेटिकली सरकार के हाथ में आ जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ बैंक प्रॉफिट इन अ नेशनल इंटरेस्ट। जो भी हमें बैंकों से प्रॉफिट मिलता है यदि बैंक नेशनलाइज्ड हो जाता है तो उसका जो प्रॉफिट होता है वो हमारे राष्ट्र के काम में आता है, जबकि अगर बैंक प्राइवेट सेक्टर में रहता है तो उसका जो प्रॉफिट मिलता है उससे कोई भी चीज़ सरकार मतलब राष्ट्र के हित में नहीं हो पाती है। डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक, जो भी हमारे बैंक की शॉर्टेज हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल या इंडियन फॉरेन एक्सचेंज बैंक जो भी हमारी कंट्री में है वो क्या होता है जब उसका नेशनलाइजेशन हो जाता है तो वो गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है और गवर्नमेंट समय समय पे जो भी स्टेप लेना होता है उसे वो लेती है जो भी हमारे कंट्री के लिए सही होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिशिएंसी, द गवर्नमेंट बैंक इन अ व्यू ऑफ देयर वास्ट रिसोर्सेज आर एबल टू अट्रैक्ट कॉम्पिटेंट ट्रेन एंड एक्सपीरियंस स्टाफ मोर। जब हमारे यहाँ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो बैंक उनके ऊपर बहुत ध्यान देती है, जो भी स्टाफ वगैरह होता है उसे अलग से ट्रेन करती है जिससे कि जो बैंक है वो अपना जो भी उसका गोल है उसको वो पूरा कर सके बजाय प्राइवेट बैंक के। बैलेंस ग्रोथ ऑफ बैंक, एट प्रेजेंट द प्राइवेट बैंक ऑपरेट ओनली इन दोज एरिया वेयर दे गेट गुड बिजनेस। आप जानते हैं कि प्राइवेट बैंक केवल उन्हीं एरिया में है जहाँ पे बिजनेस वगैरह अच्छा है, जहाँ पे बड़े बड़े शहरें हैं, जबकि विद द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक द गवर्नमेंट विल ओपन द ब्रांचेस। नेशनलाइजेशन के बाद जो सरकार होती है वो वहाँ पे बैंकों की ब्रांचेस को खोलती है जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी पूरी तरीके से नहीं है और वहाँ का भी ग्रोथ वो करती है। कल्प और करप्शन
बहुत से बिजनेसमैन जो होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रूल्स को अपनाते हैं, ठीक है, दे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, वो एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ाते हैं इंपोर्ट की वैल्यू कम करते हैं। मैनी बैंक गिव लोन टू देयर डायरेक्टर और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपने डायरेक्टर और नॉमिनल को डायरेक्टर को नॉमिनल रेट पर इंटरेस्ट देते हैं। जो भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होता है वो डायरेक्टर्स को मिलता है जिसका इस्तेमाल वो फॉरेन टूर पे करता है, जबकि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाए तो ये सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। एबोलिशन ऑफ बैंक फॉरेन बैंक, द फॉरेन बैंक होल्ड एन डोमिनेट पोजिशन इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, दे ऑलमोस्ट कंट्रोल द फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस ऑफ द कंट्री एज वेल एज कम्पीट विद द इंडियन बैंक, देयरफॉर फॉरेन बैंक यूज आवर कैपिटल फॉर वेलफेयर, जो भी हमें फॉरेन बैंक से कैपिटल मिलती है उसका इस्तेमाल हमारी कंट्री में वेलफेयर पे होता है। दे ऑल्सो रिमिट अ लार्ज पोजिशन ऑफ देयर प्रॉफिट टू देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज, ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाई द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो बैंक का जो भी काम होता है उससे जो भी बेनिफिट मिलता है उसका उपयोग पूरी तरीके से हमारी कंट्री पे किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेम हैज़ बिन प्रूव है इस चीज़ के लिए कैपिटल फॉर्मेशन। एज वी नो द ऑर्डनरी पब्लिक रिपोज ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट देन इन अ प्राइवेट बैंक, इफ ऑल द बैंक इन द कंट्री आर नेशनलाइज द पब्लिक विल हैव टू हेजिटेशन टू डिपॉजिट देयर सरप्लस। यदि हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता तो जो भी पब्लिक होती है वो अपने सरप्लस को बैंकों में डिपॉजिट करने के लिए बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है और अपने अधिक से अधिक बचत को बैंकों में जमा करती है जिसका इस्तेमाल हमारे वेलफेयर या डेवलपमेंट में होता है। ये तो इसके फेवर में थे बच्चों, अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इनके अगेंस्ट हैं। क्या है? फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। अब वेटी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट बैंक नेशनलाइजेशन इज दैट इट विल बी लीड टू डिक्लाइन इन द ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ द बैंक। इन दिस कनेक्शन एग्जांपल आर गिवन टू स्टेट एंटरप्राइजेस वेयर द एफिशिएंसी हैज डिट्रॉयड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ सच इंटरप्राइजेस। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्पेशल मेंशन इज मेड ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक वर द इनएफिशिएंसी रेड टेपिज्म विस्टेज हैव वन गॉन अप सिंस गवर्नमेंट टुक देम अंडर इट्स ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे इसके विपक्ष में बताया जा रहा है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप हो जाता है और आपस में कम काम किया जाता है क्योंकि उनको पता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो ही चुका है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टाफ बॉटलनेक अनदर आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जब बैंक नेशनलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ एबल इफिशियंट एक्सपीरियंस एंड हॉनेस्ट बैंक एम्प्लॉयज़ की कमी हो जाती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इफ देयर इज़ अ लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री इट इज़ बाउंड टू द अनसक्सेसफुल इन द अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, और ये अपना किसी भी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है वॉयलेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेसी। थर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारे बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के अगेंस्ट में, कि वॉलेट द फाइनेंशियल सेक्रेसी ऑफ इंडिविजुअली डिपॉजिटर एंड द इंस्टीट्यूशन। के क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअली डिपॉजिटर और इंस्टीट्यूशन को बढ़ावा मिलता है। पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, द गवर्नमेंट विल नीड टू सफिशियल फंड टू द कंपनसेट द शेयर होल्डर ऑफ प्राइवेट बैंक इफ इट्स डिसाइड टू द नेशनलाइज देम। द अमाउंट नीडेड बाई द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी द अराउंड 100 करोड़। बैंकिंग येट नॉट डेवलप, यहाँ पे बोला बताया जाता है कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उसका में कंट्रीज को बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। सो लॉन्ग एज एन इंडस्ट्री डज नॉट रीच इज फुल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का भी पूरी तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, इट इज़ नॉट वाइज और प्रॉफिटेबल टू नेशनलाइज इट। स्कैरसिटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन बैंक विल बी अफेक्टेड बाई द नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन के बाद हमारा फॉरेन बैंक पे काफ़ी डेवलपमेंट अफेक्टेड पड़ा है, विल लोअर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम हो गया है। वी नीड फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, इस समय हमें हमारे कंट्री में फॉरेन कैपिटल की जरूरत है। वी कैन से डैट नेशनलाइजेशन वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, इसलिए नेशनलाइजेशन होना सही नहीं है। फॉल इन द एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, एट प्रेजेंट द बैंक प्रोवाइड द एफिशिएंसी सर्विस ऑन अ लोअर रेट ऑफ कस्टमर, लोअर रेट पे कस्टमर को बैंकों की सर्विसेज मिल रही हैं, जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ पे जो नेशनलाइजेशन हुआ है वो सही नहीं है। अ लैक ऑफ इलेसिसिटी, द क्वान्टिटी ऑफ इलेसिटी इज वन द इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट इन द बैंकिंग सिस्टम। विद द नेशनलाइजेशन ऑफ अ बैंक दे विल लूज द क्वालिटी ऑफ इलेसिसिटी बिकॉज दे विल हैव टू टेक प्रायर परमिशन फ्रॉम देयर हाई ऑफिसर एंड बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। हमें नेशनलाइजेशन के बाद कोई भी निर्णय लेने के लिए हमारे हायर ऑफिसर से परमिशन लेना पड़ता है जिसमें काफ़ी डिले वगैरह होने लगती है। फुल कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक, एट प्रेजेंट ऑल द बैंक इन आवर कंट्री आर अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द वर्किंग प्रॉपर्ली अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज देयर इज नो नीड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक।
आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में, उन्हीं के अंडर में काम कर रहे हैं, इसलिए बैंकों का नेशनलाइजेशन बहुत जरूरी नहीं है। सम एक्सपर्ट आर द ओपिनियन दैट नेशनलाइजेशन में हैम्पर एंड द कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री व्हेन द बैंक आर वर्किंग प्रॉपरली अंडर द कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन देयर इज नो नीड ऑफ नेशनलाइजेशन बैंक, क्योंकि बैंकों के द्वारा जो भी फंक्शन किए जाते हैं वो RBI के अंडर में होते हैं, इसलिए बैंकों के नेशनलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ ही बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है आर्ग्यूमेंट्स फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, दोनों ही मैंने पढ़ाया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।